तो आइएगा, आदेश हुआ है कि समय का भाव है और कलाकार बहुत ज्यादा है, तो आइएगा एक भजन गौ माता का। नु बताओ गौ सारा है ना थारे गांव में? अच्छा पड़ोसी गांव में, ठीक है। अच्छा गौ माता का भजन सुनना चाहेंगे आप? गौ माता ने कौन कौन माना है? आप आज सबसे घनी ब्रून माटी है तो गौ माता की है। बिचारी रोड़ा पे धक्के खाती हर है, उनका कोई वाली वास नहीं आज। और कई तो इसे है दूध के मारे बांध लेंगे, दूध कट दिया जोड़ा गोड़ मत काट देंगे, लेकिन गौ बिचारी क्या करे? अपने गौ ने क्या करे? 36 करोड़ देवी देवता गौ में वास करे, ठीक है ना। जो गौ ने पूज ले उसका दुख जिंदगी में कदे आ ही नहीं सकता। तो गौ माता की जितनी सेवा करो उतनी कम है। कोई बात नहीं, आपके गांव में गौशाला नहीं है, बन जाओगी, ये आप भी कोशिश कर सकते हो। और मैं तो कहती हूँ कि हर गांव में गौशाला होनी चाहिए। और गौशाला क्यों? अगर हम अपने घर में एक एक गौ अगर बांध दें तो गौशाला की जरूरत ही नहीं होगी। जो गौ न माने, जो गौ की पूजा करे, उससे बड़ा धर्म ही नहीं है। गौ की पूजा सर्वश्रेष्ठ है। तो आइएगा कैसे से? कि कैसे वो गौ माता श्री कृष्ण भगवान से कहती है कि हे कन्हैया, इस कलयुग में हमारे को ऐसे रोड़ों पे छोड़ दिया, हम पल पल मर रही हैं। और ये भजन जिसने लिखा है वो मेरे बड़े भाई सुभाष जी प्रचारी, आपके पड़ोसी गांव से माजरा प्याऊ से ये भाई बैठे हैं, इन्होंने ये भजन लिखा है। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। और ये भजन मैंने रिकॉर्ड भी किया है, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। मेरा चैनल है सुशीला ताखर ऑफिशियल चैनल, उस पे आप देखोगे तो ये भजन मैंने गाया हुआ है, स्टूडियो में रिकॉर्ड किया हुआ है। और बहुत ही प्यारा भजन है और लिखा है भाई ने बहुत ही मन लगा करके कि कैसे गौओं की दुर्गति होती जा रही है और वो किस किस कमी किसकी है हम सबकी। तो आइएगा कैसे वो गौ माता और क्या कहती है श्री कृष्ण भगवान से कि हे कन्हैया, हमारी भी सुध लो, हम बड़ी लाचार हैं, इस कलयुग में हमारी कोई नहीं सुनता, और कैसे हम भूखी प्यासी तड़फ रही है। और कैसे वो गौ बेचारी क्या कहती है सुनिएगा। बोली गौ माता की, बोली श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, भारत माता, तो कितनी माए हो गई और एक से एक बढ़ के है माँ, ठीक है। जिसकी ममता उसकी ममता के आगे कोई मोल ही नहीं। आइए कैसे और ताली बजा करके मेरा साथ देंगे सभी भक्तजन और क्या कहेंगे। कहती हूँ कृष्ण
अब तो शायद ऐसा नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है। वो बेटी जो इस दुनिया में आई भी नहीं, उसका उसने क्या कसूर कर दिया अपनी अपनी माँ की कोख में। और वो बेटी एक नन्ना सा जीव जिसने कुछ नहीं देखा, उसके भी कोई अरमान है, सपने हैं अपने साकार करने के, और लेकिन फिर भी उसे इस दुनिया में आने से पहले ही मार दिया जाता है। और वो बेटी अपनी माँ से कोख में ही क्या कहती है, और बेटी अपनी माँ से कहती है, दोनों का सेम पोजीशन है, क्या कहने लगी अपनी माँ से, माँ ये ना पाप करो, कुछ तो रब से डरो, माँ ये ना पाप करो, कुछ तो रब से डरो, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। कहने लगी पहली बात मैं अपने मन की बात बताती हूँ, क्या कहती है, इस जीने से मरना अच्छा, दुखी जगत में काया से, कई रोज की भूखी सुना, पेट भराई खाया से, इस जीने से मरना अच्छा, दुखी जगत में काया से, कई रोज की भूखी सुना, पेट भराई खाया से, सभी का कि इतना प्यार प्रेम आप लोगों ने मुझे दिया और महाभाई के चरणों में मेरी हाजिरी लगवाने में मेरा सपोर्ट किया। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे शांति बनाए रखेगा, कलाकार बहुत है और बड़ा ही अच्छा गुणगान करेंगे, तो आइएगा दूसरे नंबर पे गौ माता क्या कहती है।
और के कहला कि चौथा नंबर का